हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वे प्रोटीन पीने से किडनी ख़राब होती है या नहीं, आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वे प्रोटीन क्या होता है और हम इसे क्यों लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के सभी अंग को सही तरीके से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है, पर अगर आप शारीरिक रूप से कोई मेहनत का कार्य करते हैं, जैसे रनिंग जिम आदि करते हैं, तो आप के मसल्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिससे आपको अपने डाइट में अधिक प्रोटीन लेना पड़ता है। अगर आप चाहें तो अपने डाइट में प्रोटीन फूड को शामिल करके अपने ज़रूरत के अनुसार प्रोटीन अपने डाइट से ले सकते हैं, तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अपने प्रोटीन की ज़रूरत को अपने डाइट से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। क्या वे प्रोटीन पीने से किडनी ख़राब होती है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन पीने से किडनी ख़राब होती है, पर ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन को बनाने में दूध का इस्तेमाल करके उससे प्रोटीन को निकाल कर उसे पाउडर के रूप में बनाया जाता है। इसमें कई तरह के प्रोसेस होता है। अलग अलग प्रोसेस में प्रोटीन की मात्रा कम व ज़्यादा हो सकती है, और साथ में इसमें बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलाया जाता है, जिससे इसे पीने के बाद यह आसानी से जल्दी पच कर आपके ब्लड में पहुँच सके। तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको कोई किडनी की परेशानी नहीं होगी। ध्यान रहे, आपको अपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, फिर वो चाहे प्रोटीन पाउडर हो या कोई प्रोटीन फूड हो। और अगर आपको कोई किडनी की परेशानी है तो आप कोई भी प्रोटीन पाउडर या फूड लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर वो चाहे चिकन, अंडे, दूध, पनीर हो या कोई वे प्रोटीन। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें आपको 1 ग्राम से लेकर 1.6 ग्राम तक प्रोटीन आपको अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेना होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप रनिंग कितना करते हैं, कितने समय से रनिंग कर रहे हैं और आपकी स्टेमिना कितनी है। जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ती है, उसी के अनुसार आपके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत भी बढ़ती है। आपको प्रोटीन को अपने डाइट से एकदम से नहीं बढ़ाना होता है, आपको धीरे धीरे अपने डाइट में प्रोटीन फूड को शामिल करके अपने प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करना होता है। नकली व फेक प्रोटीन पाउडर से किडनी खराब होता है। आजकल बाज़ार में कई सारे प्रोटीन पाउडर मिलते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, और इसी कारण लोग इन्हें नहीं खरीद पाते। प्रोटीन पाउडर कई कंपनी के मिलते हैं और उसमें उनके जैसे कई फेक सप्लीमेंट मिलते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। तो इस तरह के फेक सप्लीमेंट में कई तरह की दवाइयाँ मिली हो सकती हैं, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपको पानी कम से कम 4 लीटर दिन में ज़रूर पीना चाहिए, चाहे आप कोई प्रोटीन फूड ले रहे हो या आप प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको बताएं कि सस्ते और अच्छे प्रोटीन पाउडर के बारे में आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं।